विभागीय अधिकारी गोविंद दुबे के मार्गदर्शन में तहसीलदार डीके वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई सहित आला अधिकारियों ने बिना मास्क लगाने वाले लोगों पर की कार्यवाही एवं लापरवाही बरतने पर पहुंचाया अस्थायी जेल। तारना नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए रविवार को नगर महितपुर नाका चौराहे पर तहसीलदार सहित आला अधिकारी मैदान में उतरे और बिना मास्क लगाने वाले व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही की। वहीं लोगों को समझाइश भी दी कि मास्क लगाना अति आवश्यक है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना से बचाव ही एकमात्र उपाय है। यदि इस महामारी को रोकना है तो हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी है, इसकी जवाबदारी हमें खुद को लेनी पड़ेगी। वहीं लेकिन यह इसका स्थायी हल नहीं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी जवाबदारी को समझे और मास्क का उपयोग करे। वहीं सभी दुकानदारों को समझाइश भी दी गई कि दुकान के बाहर सैनिटाइजर रखें व मास्क लगाना अनिवार्य किया जाए। एवं वहीं तहसीलदार डीके वर्मा द्वारा बिना मास्क पहनने आने वाले को लापरवाही बरतने वालों को अस्थायी जेल भी पहुँचाया गया। अभियान चलाया जा रहा है आज मेथुना के शासन के निर्देशानुसार उसमें ये बगैर मास्क वाले के लोग हैं उनको मास्क लगा के लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सर अभी कितने लोगों को चालान काटा गया और कितने का स्थायी जेल पहुंचाया गया? बाईस लोगों को चालान काटे गए और बाकी 60 लोग जो हैं उनको स्थायी जेल गए। हम पीछे कॉलेज है वो बनाया गया है, वहाँ पर उनको रखा। सर मार्केट में किसी प्रकार का भ्रमण किया गया आपके द्वारा? वो भी किया जा रहा है, सशक्त रूप से सब लगे हुए।